हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की करंट अफेयर का पार्ट थर्ड। तो यहाँ पर अगर आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप बंदी रक्षक आपके फॉरेस्ट गार्ड का है, और पटवारी लेखपाल जिनका भी एग्जाम आपका है आगामी जितने भी हैं, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर रहना है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इससे पहले अगर पार्ट नहीं देखे हैं, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि करंट अफेयर के काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बेस्ट टूरिज्म एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तराखंड का कौन सा स्थान प्राप्त है। तो यहाँ पर हाल ही में उत्तराखंड को अवार्ड से नवाजा गया है, और इसमें जो है उत्तराखंड प्रथम स्थान पर आ रखा है। तो ये पुरस्कार जीतने वाला उत्तराखंड का पहला जो है स्थान निकल के आ रखा है। और पर्यटन दिवस जो कि आपका 27 सितंबर को ये का अवार्ड दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि पर्यटन दिवस 27 सितंबर को आपका होने हैं होता है मनाया जाता है उस दिवस को। और बेस्ट टूरिज्म एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड और यहाँ पर पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तराखंड को पहला पुरस्कार दिया गया है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में यहाँ पर जो है जमरानी बांध जो है काफ़ी चर्चा में रहा है। क्यों रहा है जमरानी बांध, मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग जो है यहाँ पर इसका जो प्रस्ताव था 1975 को प्रस्ताव लाया गया था जमनाई बांध बनाने को लेकर। अभी केंद्र ने हाल ही में जो है इसके निर्माण के लिए लगभग आपका 10 जनवरी 2022 को यहाँ पर इसकी स्वीकृति प्रदान की है। और इसके साथ साथ आपको बता दूँ कि इसके जो टेंडर हैं, टेंडर लगभग आपका 1828 करोड़ रुपये का टेंडर यहाँ पर इस पर खर्चा बताया जा रहा है केंद्र की ओर से। और इसके लिए एक कंपनी जो है तलाशी जा रही है, यानी कि आपका जो कंपनी ढूंढी जाएगी उसके लिए यहाँ जो है टेंडर मिलेगा लगभग 1828 करोड़ रुपये का, ठीक है इसके लिए। और इसमें जो टेंडर भरने की जो तिथि है लास्ट है 5 दिसंबर 2022 है। तो 5 दिसंबर 2022 तक अभी टेंडर इसके चले हुए हैं, और ये टेंडर आपको भरने हैं। जो भाई जो भी यहाँ पे कंपनी खरीदेगी उसको ये लगभग 1828 करोड़ रुपये का यहाँ पर जो टेंडर लेके उसको, ठीक है, जो कि यहाँ पर केंद्र सरकार इसको इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और इसके लिए यहाँ पर बताएं कि जमुनानी बांध काफ़ी यूके परिषद का फेवरेट क्वेश्चन भी रहा, कई बार पूछा भी गया है। जो चर्चा में रहा होता है वही ज़्यादा आपके जो है क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में या अन्य जगहों पर जो है चर्चा में रहते हैं, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन आपके करंट के बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर बात करूँ तो जमरानी बांध ये कहाँ पर है, अभी निर्माणाधीन चले रखा है आपका हल्द्वानी में है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और कौन सी नदी पर है कमेंट करके बता भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन कहाँ लगाने की घोषणा किया। तो यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने हाल ही में जो है उत्तराखंड में सैनिटरी पैड वेंडिंग जो मशीन होती है उसको लगाने की बात की है। लगभग ये मशीन आपकी लगेंगी पूरे आपके 680 जो है मशीनें लगनी है सैनिटरी पैड के, जिसके लिए जो है सरकारी कार्यालय में है या आपका सरकारी जो कॉलेज है वहाँ पर हो, सरकारी विद्यालय में है या वन विभाग में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सरकारी विद्यालय में। सरकारी विद्यालय में सीएम सॉरी यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने 680 जो है प्रथम स्तर पर जो है पहले स्तर पर 680 जो है सरकारी स्कूल में जो सैनिटरी पैड होते हैं उसकी जो वेंडिंग मशीन होती है उसको लगाने की घोषणा यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने हाल ही में किया है। तो इसी वजह से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है चर्चा में रहा पूर्णागिरी मंदिर कौन से पर्वत पर स्थित है। पूर्णागिरी मंदिर कहाँ है, सबसे पहले तो आपको ये कमेंट करके बताना है। पूर्णागिरी मंदिर हाल ही में रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है नवरात्रि का सीजन था, इसी वजह से चर्चा में रहा है। देखिए मंदिर आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं उत्तराखंड में, और मंदिर देखिए सब याद नहीं कर सकते हैं। जो चर्चाओं में रहा है मंदिर, जिनको हाल ही में कई न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा या कुछ चीज़ें हुआ होगा या कुछ अलग से वहाँ पर कुछ पूजा होगी या विधि होती हो या कोई उस मंदिर में मेला वेला होता है, तो वही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उत्पीड़न क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछता है यूकेपीएससी, ठीक है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो आपका पूर्णागिरी मेला लगता है वो आपका टनकपुर में लगता है, चंपावत में, ठीक है, टनकपुर आता है चंपावत में। और यहाँ पर एक नदी बहती है, नदी के आसपास है, कौन सी नदी है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये आपका रहता है अन्नपूर्णा पर्वत पर, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और माता सती की जो है नाभिगिरी ऐसा माना जाता है इस जगह पर, और इसको मनोकामना पूर्ण मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, मनोकामना पूर्ण मंदिर भी कहते हैं। और लगभग जो है आपका यहाँ पर 1632 में, ठीक है, 1632 में चंद तिवारी नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने यहाँ पर इस पूर्णागिरी मंदिर की स्थापना की है। कौन था, चंद तिवारी, ठीक है, चंद तिवारी है जिन्होंने 1632 में इस मंदिर की स्थापना की है। कौन से पर्वत पर है, ठीक है, ये आपका है अन्नपूर्ण, ठीक है,
अन्नपूर्णा पर्वत पे है, तो अन्नकूट मत कर देना, अन्नपूर्णा पर्वत पे है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का कौन सा मंदिर है जो विश्व का प्रथम शक्तिपीठ माना जाता है। तो उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर है जिसको यहाँ पर प्राचीन काल में माना जाता है, पुराणों में, कि यहाँ पर जो है प्रथम शक्तिपीठ इसको माना जाता है। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें ये बताना है। ये आपका होगा माया देवी मंदिर, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, माया देवी मंदिर, जो कि आपका हरिद्वार में स्थित है, ठीक है, हरिद्वार में स्थित है। लगभग जो है 11वीं शताब्दी का यहाँ पर माना जाता है, 11वीं शताब्दी में यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना किया गया था, और इसी से जो है हरिद्वार का जो नाम है मायापुरी पड़ा है। तो बताया जाता है कि माया देवी जो मंदिर है इसका नाम जो है मायापुरी, जो हरिद्वार का नाम है वो इसी नाम से पड़ा है, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। और ये सबसे जो है प्रथम प्राचीन जो शक्तिपीठ है उनमें से एक माना जाता है, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पर चर्चा में रहा, ये सारे सारे जो मंदिर हैं ना, ये आपके जो नवरात्रि थी उसमें चर्चा में रहे थे, और इसमें जो है सुमांडा देवी मंदिर, ठीक है, सॉरी कुष्मांडा देवी मंदिर, ठीक है। तो कुष्मांडा देवी जो मंदिर है ये कहाँ है बताना है, इसका आंसर आपका बागेश्वर होगा, तो बागेश्वर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर यूके तपस्या के नए अध्यक्ष, तो यहाँ पर हाल ही में यूके तपस्या कल यहाँ पर जो है नए अध्यक्ष चुने गए हैं जिनका नाम आपको बताना है, तो ये आपका होगा गणेश मर्तोलिया, ठीक है, आईपीएस अधिकारी हैं पूर्व के, तो इनको यहाँ पर जो है नियुक्त कर दिया गया है। इससे पहले यहाँ पर जो है एस राजू यहाँ पर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और यहाँ पर कार्यकारी रूप से यहाँ पर जो है प्रकाश थपलियाल को हाल ही में जो है अपॉइंटमेंट किया गया था, एकदम कार्यकारी रूप से, लेकिन अब परमानेंटली जो है आपका गणेश मर्तोलिया को नियुक्त कर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर सुरेंद्र सिंह रावत यूके तपस्या के नए अध्यक्ष हैं, इनको भी यहाँ पर हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और कमेंट करके कमेंट बता सकते हैं कि यूके तपस्या की स्थापना हुई कब हुई, यूके तपस्या की स्थापना है, यूकेपीएससी की स्थापना है, या अन्य चीज़ें आती हैं आपकी, प्रथम कौन था, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे उत्तराखंड प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश था अशोक अभेंद्र देसाई थी, उनके नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे एनपी नवानी थे, उनको आपको याद कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर जो है प्रथम लोक आयुक्त कौन थे जो कि ए रज्जा करके थे, उनका नाम आ सकता है। क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। सामने यहाँ पर जो है प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त अगर बात करें तो यहाँ पर आर एस टोलिया थे, प्रथम सूचना आयुक्त अगर बात करें विक्रम सिंह थे, और वहीं यहाँ पर पुलिस महानिदेशक प्रथम कौन थे वो भी आपको याद होने चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी वर्तमान समय पुलिस जो महानिदेशक हैं वो कौन है भी, ये भी पूछा जाता है। तो प्रथम कौन है, क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आरक्षण का मुद्दा चला हुआ था आपका, तो हाल ही में जो है आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो है किस 30% आरक्षण को लेकर मुद्दा है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर चला हुआ है, तो महिला आरक्षण को लेकर, जिसमें यहाँ पर जो है भर्तियों में 30% आरक्षण यहाँ पर दिया जाता है। और वहीं यहाँ पर ये भी आता है कि उत्तराखंड में जो पंचायतों में है तो महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो 50% जो पंचायतों में उत्तराखंड में महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाता है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं, ऐसे चर्चाओं में नहीं जो क्वेश्चन होंगे वो आपको करंट अफेयर में देखने को मिल जाएंगे, और यहीं से आपको जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन जाते हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा उत्तराखंड के एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो इसी वजह से जितनी भी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, डेली बेसिस पर हमारा यहाँ पर करंट अफेयर आते रहेगा, ठीक है, धीरे धीरे करके जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लेके आ रहा हूँ। और क्योंकि करंट अफेयर दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते रहते, डेली बेसिस पर करंट अफेयर चलता रहेगा यहाँ पे। और इसमें यहाँ पर इस क्लास में यूकेपीएससी की जितने भी यूकेपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसमें चलते रहेंगे। इससे पहले प्रीवियस के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम यहाँ पर 3 पार्ट लेके आ चुके हैं करंट अफेयर की। ये सीरीज चलती रहेगी, 6 बजे आपको यहाँ पर 6 PM पे चलनी है डेली बेसिस पे, इस पर आप जो है बने रहें। फिलहाल इसमें इतना ही बात करते हैं आज, नेक्स्ट वीडियो में कल हम बात करेंगे इसकी तरह के क्वेश्चन जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे।